हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सब। सुबह की शुरुआत हो गई है गाइस। इधर मैंने चाय का पानी रख दिया है मम्मी के लिए, तो यहाँ मैं चाय में चीनी डाल, पानी में चीनी डाल के पत्ती डाल रही हूँ और चाय चढ़ा दी है बॉईल होने के लिए। इधर मैंने अपना वॉर्म वाटर ले लिया है, उसमें शहद डाल दिया है, तो आधे घंटे के लिए मैं इसको पी लूँगी। इसको मैंने मिक्स कर लिया गाइस। तो ऐसे होती है सुबह दिन की शुरुआत गाइस। और इधर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है और यहाँ दूध बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है गाइस। और इधर मैंने वाइट चने चला काबली चने चढ़ा दिए हैं, कुकर में डाल दिए हैं, भिगो रही हूँ मैं इनको। दो कटोरी मैंने काबली चने लिए हैं गाइस। इसमें मैं दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च डाल के इसे भिगो रही हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में एकदम से पूजा करने, क्योंकि टाइम निकला जा रहा था पूजा का, तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर रही हूँ और फिर मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैंने नमक डाला और एक तेज पत्ता डाल लूँगी अब मैं इसमें। चार चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और अब एक तेज पत्ता डाल के मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। तो मैं पायसम चढ़ा रही हूँ, मैंने गैस पे पानी डाल दिया है और पायसम मैं पानी में डाल रही हूँ गाइस। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से होती है दिन की शुरुआत गाइस। इधर मैंने शुगर भी डाल दी है इसके अंदर। और आज हम बनाएंगे मिस्सी रोटी। तो मैंने आटा लिया है 2 डब्बे और एक कटोरी मैंने बेसन लिया है। थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ गाइस। फिर मैंने पायसम में दूध डाल दिया है गाइस। यहाँ मेरा पायसम रेडी हो गया है। बच्चों को पायसम में ना ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, तो मैं इसमें केसर डाल रही हूँ। मेरे पास केसर रखा था पहले से ही, तो मैं उसमें केसर डाल रही हूँ। और गाइस ये ना एक प्याज के अंदर एक येलो येलो पार्ट होता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। हर आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ कि इसके पार्ट को ना काटने से कैंसर की कोशिकाएं आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक है। होटल्स वगैरह में भी लोग प्याज ऐसे ही डाल देते हैं सिरके में। तो ये मैं आप लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, एक अच्छी बात है कि मैंने आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा ये पार्ट, लेकिन ये पार्ट बहुत ख़तरनाक है। इसे आप भी आगे से कर जब करते हैं तो ये पार्ट ज़रूर निकालें प्याज कटते हुए। वही से मैंने प्याज को चॉप कर लिया है आटे में डालने के लिए। ये मेरा चॉप्ड प्याज। इधर मैं चॉप प्याज डाल रही हूँ, आलू में और आटे में, सॉरी
ये तो मैंने हरी मिर्च कट करी थी वो भी डाल दी है। ये मैंने नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, तो मैं आटे का एक परफेक्ट डो बना लूँगी रोटी के लिए गाइस। और ये रोटियाँ हम खाएंगे प्याज टमाटर की, मेरी चटनी बनाई है राजस्थानी, तो मैं वही चटनी के साथ इन रोटियों को सर्व करूँगी। बच्चों का भी बहुत मन था खाने का, तो सो मैं आज हमने आटे का डो रेडी कर रही हूँ। ये मेरा आटा गूंथ रही हूँ मैं गाइस जल्दी जल्दी, तो इतने काम होते हैं घर में फैमिली में, किसी को क्या खाना है किसी को क्या खाना है। तो ये मेरा आटा तैयार हो गया है डो, और इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। सो मैं आ गई हूँ फ्रिज के पास गाइस, और मैंने इसको रख दिया है। और इधर मैं किचन में फिर आ गई हूँ, मैंने प्याज टमाटर की चटनी चढ़ा गैस पे रख दी थी, टमाटर वगैरह सब मैंने इस पर दे दिया है, और थोड़ी सी ऊपर से कसूरी मेथी डाली है, लाल मिर्च डाली है। तो ये मेरी परफेक्ट चटनी रेडी हो जाएगी। अभी इसमें ऑयल आ गया तो समझो मेरी चटनी रेडी हो गई है गाइस। ये बहुत अच्छी लगती है बेसन की रोटी के साथ, तो इसका और इसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। इधर मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है गाइस, और मैं अपनी रोटियां बेलने लगी हूँ। मैंने एक और आटे का पेड़ा लिया और उसको रोटी के लिए बेलने के लिए स्टार्ट कर दिया, और इसमें बेलने के लिए कर रही हूँ गाइस। इधर मेरी चटनी रेडी हो गई है गाइस, और इधर हमारी रोटियां सिकने लगी हैं, तो गरम गरम रोटियां बच्चे खाएंगे बैठ के एंजॉय करेंगे। ऐसे छोटे छोटे काम, कभी कभी हल्की हल्की चीज़ें ये अच्छी लगती हैं, करके काम तो होते ही रहते हैं गाइस, यही तो ज़िंदगी है, ऐसे नहीं होगी तो फिर कैसे होगी। ये तो था आज का हमारा दिन का लंच, मेरा रेडी हुआ है। ये मैंने देसी घी लगा दिया इन रोटियों पर, और साहिबा को सर्व कर रही हूँ मैं गाइस ये रोटियाँ, रोटी सब्जी देसी घी लगा के। ये रोटियाँ बहुत मस्त लगती हैं, आई लव इट। और ये हमारी प्याज की चटनी। तो ये आज का हमारा हल्का फुल्का लंच था गाइस, सो मैं ये साहिबा को दे रही हूँ। और इधर ये गाइस मैंने रेडी करी है आज की ये थाली, पायसम, नींबू का अचार और प्याज टमाटर की ये परफेक्ट चटनी। तो
आप भी कभी कभी ऐसे इंजॉय कर सकते हैं अपने घर में ऐसा हल्का खाना बना के। और शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ गाइस, तो डिनर के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, और उधर मेरे छोले बॉयल हो ही गए थे, वाइट वाले काबली चने जो मैंने सुबह भिगोए थे। तो ये था मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन जो स्टार्ट है अभी। तो इसमें मैंने डाला है जीरा थोड़ा सा, थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है मैंने, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज का पेस्ट। और एक मैंने तेज पत्ता डाल दिया, और इसमें सब्जी बनाते हुए भी एक तेज पत्ता मैंने और डाल दिया, ऐड कर दिया इसमें, एक अलग फ्लेवर आ जाएगा उसमें थोड़ा। और इधर मैंने चावल भिगो दिए हैं, तो आज छोले और चावल बनाएंगे हम लोग। मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, मैंने हल्दी डाली, धनिया डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिए मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। थोड़ा सा सॉल्ट और डाल रही हूँ कहीं कम ना लगे, और मसाला भी अच्छा भून जाएगा सॉल्ट से ना, थोड़ा सा मैशी मैशी हो जाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने गाइस, और ये मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने ऐड कर दिया है, मेरा मसाला थोड़ा थोड़ा भूनने के लिए हो गया रेडी। तो मैं अपने तो इधर मैंने गैस पे रोटी रख दी है, किसी को फुलके खाने होंगे तो वो फुलके खा लेंगे। परफेक्ट थाली रेडी हो गई है गाइस, इसमें मैंने चावल, छोले। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।